एक चीज जो है वो डैमेज हुई है। 30,000 मैक्सिमम, 40,000 रेयर होता है भाई साहब, है ना, एकदम गंदा है ना, गंदा, अभी चेंज करना पड़ेगा। ये देख लो गाड़ी का पूरा इंजन निकाल दिया। मैं कहा यार एक बार बिल भी आप लोगों को दिखाई देता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिविंग ड्रीम्स, जहाँ सपने होते हैं सच, वेयर वी लिव आवर ड्रीम्स। आप लोग को लद्दाख का सीरीज कैसा लगा यार, कमेंट करके बताइए मुझे। हम लोग को तो बहुत मजा आया, बहुत 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 एक्साइटिंग पूरा जर्नी था हम लोगों का। रोड्स, माउंटेन्स, एडवेंचर, लेस ऑक्सीजन, अरे यार एक से एक क्या ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हुए यार, इट इज माइंड ब्लोइंग। अगर आप लोगों ने वो वाला सीरीज नहीं देखा तो जाके प्लीज देख लीजिए, बहुत मजा आएगा आप लोग को। एंड फिलहाल आज मैं निकल पड़ा हूँ हमारी थार को पैम्पर करने के लिए। यस, बिकॉज आप लोग ने ट्रिप के ऊपर देखा होगा कि 49,000 किलोमीटर थार ने क्रॉस कर लिए थे, और अभी एक का दुक्का दिन में छोटा मोटा कम्यूट के अंदर हमारी थार ऑलमोस्ट 49,636 यानी ऑलमोस्ट 50,000 किलोमीटर हो चुके। तो अगर आप लोग ने पुरानी वीडियो अगर आप लोग ने फॉलो की होगी तो आप लोग को पता होगा कि लास्ट सर्विसिंग जो मैंने की थी दैट वाज अराउंड 38,000 किलोमीटर के अंदर, तो हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट 11,500 किलोमीटर चल चुकी है। सो आज हमारी अपॉइंटमेंट है, मैं फिलहाल शोरूम जा रहा हूँ और वहां पे हम पूरी गाड़ी को सर्विसिंग करवाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स रिप्लेस होते हैं, और पता चलेगा कि 50,000 वाली सर्विसिंग के अंदर क्या क्या चेंज होता है और कितना खर्चा होता है। वो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और ये अपन पहुंच चुके हैं उन्नति मोटर्स के ऊपर। यार ये डीलरशिप घर से 15-20 मिनट के डिस्टेंस पे हो ना, नथिंग लाइक इट। पता है हर छोटी मोटी चीजों के लिए, हर काम के लिए हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं, दैट इज लाइक दी बेस्ट पार्ट। तो यार ये डीलरशिप जो है ना वो घर के नजदीक में ही होनी चाहिए, वही सबसे बेस्ट पार्ट होता है। जी हाँ सांजी सर, जी सर, अपना जॉब कार्ड तो बन गया, बस अंदर बे वेकेंट कर रहे हैं तो अपनी गाड़ी भी लग जाएगी। और मैं चेक कर रहा था यार ये इसका मेंटेनेंस शेड्यूल चार्ट है, तो मुझे लगा था कि 50,000 किलोमीटर के ऊपर बहुत सारी चीजें रिप्लेस होगी, बट एक्चुअली 60,000 का मेन सर्विस है। 50,000 पे तो अपना सिर्फ इंजन ऑयल चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा, इसका जो अपना एयर फिल्टर है वो चेक करेंगे, फ्यूल फिल्टर भी चेंज नहीं होगा, तो बहुत कम चीजें होगी यार मेरे हिसाब से। इस हिसाब से तो एकदम फटाफट हो जानी चाहिए। टाइम दिखाऊं फिलहाल टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 1:45। भाई मुझे तो इतनी भूख लगी थी क्योंकि सुबह 8:30 बजे मैं उठ के बिना कुछ खाए पिए नहा धो के रेडी होके गाड़ी लेके पहुंच गया था। अब वहां पहुंचा तो ऑलरेडी 35-40 गाड़ियां मेरे से पहले आ गई थी। सोचो लोग कितना, मुझे लगता है लोग 6 बजे से लाइन में लगे होंगे वहां पे, तब जाके उनका नंबर लगा होगा। अपनी गाड़ी तो लगी नहीं, फिर मुझे इतनी भयंकर भूख लग रही थी, मैं कहा यार अब घर जाके पेट पूजा तो बनती है। मैं जैसे ही ऑटो में बैठा वैसे भैया का फ़ोन आया, भैया आपकी गाड़ी लग गई। मैंने कहा अपने भी लग गए। घर आया, थोड़ा बहुत खाना खाया और अभी मैं वापस से फटाफट से शोरूम पे जा रहा हूँ। मुझे लगता है अभी तक ऑयल चेंज हो गया होगा, बाकी की चीज़ें बाकी होगी, बट अगर हो गया होगा तो अच्छा है, अपनी गाड़ी जल्दी हाथ में आ जाएगी। मैं जैसे ही शोरूम पे वैसे पहुँचा वैसे ऐसे कुछ हाल है अपनी गाड़ी का अभी। तो फिलहाल ये रैंप के ऊपर चढ़ चुकी है एंड यहीं पर गाड़ी का इंस्पेक्शन चल रहा है। अब भैया को पूछता हूँ कि इसमें क्या क्या हो गया है और क्या क्या बाकी है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं है कि भाई अपन तो घर गए थे ना पेट पूजा करने। एक एक करके चारों व्हील्स अपने गाड़ी के निकाल दिए हैं, ये 1, 2, 3 और ये चौथा अभी जस्ट निकाल रहे हैं। तो ये टायर्स निकालने के बाद बेसिकली इसके व्हील्स का इंस्पेक्शन होगा, मतलब व्हील्स का, बनाई से व्हील्स, मतलब ये कैलिपर्स का, डिस्क का, और फिर यहाँ पर चेक करेंगे कि अपना ब्रेक के अंदर ब्रेक पैड्स कैसे हैं। वैसे एक फैक्चुअल बात बताऊं तो अपनी गाड़ी के 50,000 किलोमीटर हो गए, 49,600 समथिंग, अभी तक पीछे के ड्रम्स और आगे के डिस्क के ओरिजिनल ब्रेक पैड्स हैं जो अभी तक चेंज नहीं हुए। कैन यू बिलीव इट, मैं अभी भैया को भी जब बता रहा था ना तो तब भैया ने बताया भाई आपकी ड्राइविंग बहुत ज़बरदस्त है, वरना लोग 15,000-20,000 किलोमीटर्स के अंदर जनरली डिस्क ब्रेक के पैड्स तो चेंज करवा ही देते, बट अगर आप देखो अपने अभी तक ओरिजिनल ब्रेक पैड्स चल रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में भैया चेक करके बताएंगे कि इनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है कि नहीं है, और अगर रिप्लेस करने होंगे तो शायद डिस्क भी कट करनी पड़ेगी, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। भैया ने ना यहाँ पे अपनी ब्रेक डिस्क की थिकनेस चेक की है और बोल रहे हैं कि ये जो ब्रेक पैड्स है ना अपने 5,000 और आराम से चल जाएंगे। ये देखो अभी भी इतने ब्रेक पैड्स बाकी है यहाँ पे, है ना मज़ेदार। यार भैया क्या लगता है डिस्क कैसा है अभी? बढ़िया है डिस्क, डिस्क भी बढ़िया है।
और ब्रेक पैड और कितना चलेगा? ब्रेक पैड कम से कम 6-7 हज़ार चलेगा। 6-7 हज़ार किलोमीटर। और आज तक कभी ऐसी थार आई है आपके पास जिसके इतने ब्रेक पैड चले हो? 20 हज़ार मैक्सिमम, 40 हज़ार रियर होता है। हाँ, 50 हज़ार में भी अभी तक ब्रेक बोलो इसका 50 हज़ार किलोमीटर हुआ है और अभी तक ओरिजिनल ब्रेक पैड चल रहे हैं और भैया बोल रहे हैं कि अभी 6-7 हज़ार आराम से निकाल लेगा, है ना? मज़ेदार यार। देखो भाई ड्राइविंग हो तो ऐसी हो कि आपके गाड़ी के पार्ट्स भी आपको बोले वाह वाह। अभी अपना एयर फिल्टर निकला है और ये जो एयर फिल्टर का जो चेंबर है ना वो मैं दिखाता हूँ। भाई साहब है ना एकदम गंदा है ना, बहुत गंदा है ना। और ये एयर फिल्टर कैसा है? गंदा है, अभी चेंज करना पड़ेगा। गंदा है ना, चेंज कर देते। कर दो। तो मैंने भैया को बोला, मैंने कहा एयर फिल्टर तो चेंज ही कर दो। आई वॉज 100% श्योर कि एयर फिल्टर की अपनी जैसी तैसी लगने वाली है, तो वो तो 100% चेंज करना था। तो खैर ठीक है, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर जो केबिन फिल्टर बोलते हैं वो, उसके अलावा अपना जो इंजन ऑयल होता है वो, बाकी सारे फ्लूइड्स एक बार चेक कर लेंगे। ब्रेक पैड्स अपने एकदम ठीक है तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। और उसके अलावा ऑयल फिल्टर, दैट इज़ इट। बस सिर्फ इतनी चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ी। सोचो और अभी गाड़ी का खून रिप्लेसमेंट चल रहा है। तो हमारे शरीर में खून होता है ना, वैसे इसका खून होता है ऑयल। तो अभी फिलहाल यहाँ से पुराना ऑयल पूरा ड्रेन किया जाएगा। ये ड्रेन प्लग होता है, तो ये ड्रेन प्लग खोल के शाबाश, ये जो निकल रहा है ये पूरा पुराना ऑयल है एंड इसके जगह पे अपना पूरा नया है। देख लो कैसे काला काला ऑयल है। ये वाला ऑयल तकरीबन 11,500 किलोमीटर चल चुका है। जो हमारे सस्पेंशन थोड़े बहुत ढीले हो जाते हैं ना, जो 6,000, 8,000, 10,000 किलोमीटर चल के, तो उनको एक बार यहाँ पे टाइट करना पड़ता है बिकॉज लैडर ऑन फ्रेम चैसी है एंड बार बार उछलती रहती है, तो उसके वजह से इसके सस्पेंशन हल्के फुल्के से ढीले हो जाते हैं। ठीक, उसके कोई इश्यू नहीं होता, बट देन पीरियोडिकली एवरी सर्विस का, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एवरी सर्विस, सो हर सर्विसिंग के अंदर इसके सस्पेंशन रीटॉर्क होते हैं। बस फिलहाल यही हो रहा है। सस्पेंशन के रीटॉर्किंग के बाद यहाँ पे अपना ऑयल फिल्टर निकल रहा है। सो दिस इज़ वेयर द ऑयल फिल्टर इज लोकेटेड। ये आ गया अपना ब्रांड न्यू ऑयल फिल्टर वॉशर के साथ। अब होगा इसका फिटिंग। ये अपनी गाड़ी में जाएगा अभी ब्रांड न्यू खून, आई मीन इंजन ऑयल। अच्छा, बहुत गंदा है क्या? नॉर्मली वही जाता है, अभी डस्ट ही इतनी है। अच्छा, और ये ब्रांड न्यू जा रहा है ना, नया वाला है। अच्छा, तो जो केबिन फिल्टर बोलते हैं ना, एसी फिल्टर, वो ये है। जो कूलिंग आती है ना वो कूलिंग इसके वजह से आती है, जो हमारे एसी की हवा फिल्टर होती है ना वो इसके वजह से होती है, तो अभी वो चेंज हो रहा है। ये तो एवरी सर्विस का पार्ट होता ही है, हर एक सर्विसिंग के अंदर ये तो चेंज करवा ही देना होता है बिकॉज इसी की वजह से गाड़ी के अंदर जो खुली सांसें लेते हैं ना वो ले पाते हैं। ये पीछे की जो ड्रम ब्रेक आती है ना वो ड्रम ब्रेक क्लीन कर रहा है। देखो इसके अंदर से कितना कचरा निकलेगा, देखो पूरा जो भी धूल मिट्टी निकली है ना, ये बेसिकली ये ब्रेक, अपने जो ब्रेक पैड घिसते हैं उसके अंदर से जो गिरता है ना वो है। ये देख रहे हो कितना खतरनाक गंदा है। तो इसको भी हर सर्विसिंग के अंदर ऐसे क्लीन किया जाता है। वैसे मैंने बहुत सारी जगह ऐसे लोगों को बोलते हुए देखा है सोशल मीडिया के ऊपर कि थार के अंदर तो सिर्फ आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे ड्रम ब्रेक है, ड्रम ब्रेक से ये प्रॉब्लम होता है, ऐसा प्रॉब्लम होता है। भाई कुछ नहीं होता, इसकी ब्रेकिंग बहुत सॉलिड है फॉर द साइज एंड वेट ऑफ द कार। एक की ब्रेक्स एकदम सॉलिड है एंड ड्रम ब्रेक्स जो है ना पीछे की, दे वर्क परफेक्टली फाइन। तो मुझे आज तक ड्रम ब्रेक्स के अंदर कोई भी कंप्लेन नहीं दिखी, ये बहुत सही चलती है। होता क्या है ना, लोग सोशल मीडिया पे बोलने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, बट एक्चुअल में दैट इज़ नॉट द फैक्ट। द फैक्ट इज़ कि थार की ब्रेक्स है ना बहुत सॉलिड है, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि ये मेरे पास थार है, बट इन जनरल थार की ब्रेक्स आर स्पेक्टेकुलर, बहुत ही सही ब्रेकिंग है। तरह से यहाँ पर पूरा स्प्रे लगाया जाता है। होता क्या है,
जो भी धूल मिट्टी कचरा वो सब होता है ना, अपने आप वो क्लीनों के ड्रेनों के नीचे निकल जाता है। कितना साफ सुथरा लग रहा है ना, पुराने वाले की हालत आपने देखी जब निकाला था बहुत भैया ने, जब यहाँ पे हवा मारी ना उस टाइम पे इतनी गंदी धूल उड़ी थी ना यहाँ से, खतरनाक वाली। बट खैर गाड़ी लद्दाख जाती है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, यही तो होगा गाड़ी के साथ। तो अब ये भी एकदम खुल के सांस लेगी। अपना पूरा इंडिया है ना चाय पे चलता है, अभी यहाँ पे भी मस्त चाय ब्रेक हुई है और सारी पलटन इकट्ठा होकर चाय पी रही है। बट सबसे पहले उन लोगों ने मुझे चाय पिलाई भाई, बहुत प्यारा स्टाफ है, बहुत प्यारा स्टाफ है यहाँ का, और सच में चाय पीने का मज़ा ही कुछ अलग है। अपना इंडिया सच में चाय पे चलता है यार। ये वाला जो वॉशर फ्लूइड आता है ना वो पूरी तरह से फिल कर दिया, और वो फिल करने के बाद गाड़ी के टायर्स फिट टू के टाइट कर दिए, एंड अब ये गाड़ी के अंदर DEF जा रहा है। क्योंकि भाई जैसे आप लोग को मैंने लद्दाख से वापसी आते वक्त में ही मैंने दिखाया था कि DEF भी खाली दिखा रहा था, तो अभी वो भी गाड़ी के अंदर टॉपअप हो रहा है। तो आई गेस DEF आ गया, ऑयल आ गया, ऑयल फिल्टर आ गया, ऑलमोस्ट सब कुछ गाड़ी के अंदर हो चुका है। बट एक चीज़ जो है वो डैमेज हुई है, वो अभी चेंज करानी है। कौन सी चीज़ है, नया पार्ट आता है उसके बाद में दिखाता हूँ, बट कुछ तो गाड़ी के अंदर डैमेज हुआ है। ये क्या हार्ट ट्रांसप्लांट, कहीं पे किसी गाड़ी का तो हार्ट ट्रांसप्लांट चल रहा है भाई। ये देख लो गाड़ी का पूरा इंजन निकाल दिया, और ये इंजन निकाल के किसी और गाड़ी में फिट हो रहा है। ऐसी वैसी चीज़ें नहीं होती वर्कशॉप में, हार्ट ट्रांसप्लांट भी होता है, हार्ट ऑफ द कार। अपनी थार को वापस से ऊपर चढ़ा दिया, क्योंकि मैं जिस पार्ट की बात कर रहा था वो पार्ट आ गया है, और ये वाला पार्ट अभी गाड़ी में लगने जा रहा है। तो बेसिकली जो अपना स्टॉक अंडर बॉडी प्रोटेक्शन जो है ना, ये वाला, ये यहाँ से और इस तरफ से पूरा डैमेज हो चुका है, तो मैं ये चेंज करवा के यही लगवा रहा हूँ। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि अरे यार आप तो इतनी सारी ऑफ रोडिंग करते हो, आप तो इधर उधर जाते हो, फिर भी आप नीचे का अंडर बॉडी प्रोटेक्शन क्यों नहीं लगाते हो। देखो सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया इसने लोगों को बहुत बहका के रखा है। मैं बहुत सारी जगह देखता हूँ कि लोग गाड़ी को ऑफ रोड ले भी नहीं जाते, बट खरीद के सबसे पहले वो लोग पूरी गाड़ी में पीस टू पीस आगे से लेके एकदम पीछे तक अंडर बॉडी डलवा देते हैं। भाई पहले आप ये तो फिगर आउट करो कि आपको किस लेवल की ऑफ रोडिंग करनी है। जैसे हमारे थार ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग लेवल 3 ऑफ रोडिंग करते हैं, कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हैं, उनके लिए दिस इज़ अ वेरी एसेंशियल थिंग। अपना माइल्ड ऑफ रोडिंग है राइट, बहुत कम ऐसी जगह आती है जहाँ पे मेरे को ऐसी जगह गाड़ी घुसाने की ज़रूरत पड़ी जहाँ गाड़ी नीचे टच हो, नीचे लगे, ये हो वो हो। पहले अंडरस्टैंड योर नीड्स कि आपको एक्चुअल में पूरा मेटल अंडर बॉडी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है कि नहीं है, और उसके बाद अगर आपको फील हो कि आपको ज़रूरत है तब जाके आप लगवाइए। सिर्फ एक बार ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ मुझे ऐसा लगा था कि रेडिएटर में पत्थर लगा था, बट नहीं लगा था। एक और चीज़ समझाता हूँ, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसका सिग्निफिकेंस ये नहीं है कि अंडर बॉडी को प्रोटेक्ट करे या यहाँ से रेडिएटर को प्रोटेक्ट करे, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो स्टोन्स, जो उड़ के पत्थर जो आते हैं ना, वो पत्थर यहाँ पे टकराए, ना कि यहाँ पे अंदर रेडिएटर में। सो बेसिकली दिस इज नॉट एन अंडर बॉडी प्रोटेक्शन, दिस इज अ स्टोन प्रोटेक्टर। और ये अंडर प्रोटेक्टर लगने के बाद अपनी गाड़ी हो चुकी है कम्प्लीट, और फिलहाल इसे फाइनल रैंप से उतार रहे हैं। एंड थैंक्स टू ओम भाई, ओम भाई ने अपनी पूरी गाड़ी सर्विस की है, तो थैंक यू ओम भाई, बहुत बढ़िया और बहुत एकदम फटाफट काम किया है उन्होंने, और बहुत मेहनत की अपनी गाड़ी के पीछे। और बस अभी बिलिंग फॉर्मेलिटीज़ वगैरह निपटाता हूँ, और उसके बाद आपको बताता हूँ कि इसका एक्चुअल में ओवरऑल बिल कितना आया है। 50,000 किलोमीटर की सर्विसिंग और लद्दाख के ट्रिप के बाद कितना पैसा फूका है इस गाड़ी ने, आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। अभी जस्ट घर पहुँचा मैं कहा यार एक बार बिल भी आप लोगों को दिखाई देता हूँ। सो ये टोटल जो पार्ट का कॉस्ट है वो है और 6,283, और इसके ऊपर हमारा लेबर कितना लगा, तो लेबर लगा है 1,700 समथिंग, एंड टोटल मिला के 2,123। एक 15 लाख की गाड़ी है ना, जो अब मिलती है 20-21 लाख की, डीजल ऑटोमेटिक टॉप ऑफ द रेंज, इसका सर्विस कॉस्ट 50,000 किलोमीटर का, जिसमें 1,000 रुपए का पार्ट मैंने अलग से डलवाया, उसका भी पार्ट कॉस्ट अलग से डला है, उसका टोटल सर्विस कॉस्ट आया 8,400 रुपए, 8,400 रुपीज ओनली
कैन यू बिलीव इट। चलो इसके अंदर मैं वॉशिंग करा था 700-800 रुपए उसके हो जाते, और मे बी 1500-1600 रुपए या 1300-1400 रुपए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग के हो जाते। तो अगर मैं ये सारा कॉस्ट भी मिलाता ना, तब भी लेस देन 10,000 के अंदर हो जाता। कैन यू बिलीव इट, कैन यू बिलीव इट यार, दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई आई रियली अप्रिशिएट एंड एडमायर महिंद्रा, क्योंकि यार महिंद्रा के पार्ट्स, उसकी सर्विस इज वेरी अफोर्डेबल। किसी मारुति ओनर को जाके पूछना कि उसकी किसी भी गाड़ी का 10 लाख के ऊपर की गाड़ी का सर्विस कॉस्ट कितना आता है, एंड एक बार मेरे कॉस्ट के साथ कंपेयर कर लीजिएगा, यू विल एग्जैक्टली नो द डिफरेंस व्हाई महिंद्रास आर अमेजिंगली अफोर्डेबल। अगर 700 है स्कॉर्पियो एन है तो मे बी 5-7 हज़ार रुपये ज़्यादा होगा। अगेन अगर रिलेटिवली कॉस्ट कंपेयर करो, इट इज मैग्निफिसेंट। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड कर रहा हूँ। आई होप आप लोग को यह वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, कमेंट योर थॉट्स बिलो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। अपने दोस्तों के साथ ये वाला वीडियो शेयर करिए जो महिंद्र लेने का प्लान कर रहे हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेक श्योर यू लिव योर ड्रीम्स, लिविंग ड्रीम्स।